कक्षा नौ के विद्यार्थियों के लिए गणित गणित पाठ एक, पाठ का नाम बहुपद और द्विपद। पूर्व कक्षाओं में बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं, द्विपद के बारे में, लेकिन अब उससे भिन्न है, पहले की पढ़ाई नहीं है, थोड़ा सा हार्ड भाई पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो हार्ड पढ़ाई होगी, इसलिए कठिन थोड़ा सा हार्ड आगे पढ़े। यहाँ पर बहुपद की परिभाषा सुन लीजिए। बहुपद की परिभाषा होती क्या है? फलन, फलन को दिखाते हैं पी एक्स, फलन को पी एक्स, पी एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर ए। यह फलन, फलन को दिखाते किससे हैं? पी एक्स, जहाँ ए जीरो ए वन ए टू एन वास्तविक संख्या है। इन्हें कहते क्या है? वास्तविक संख्या। इनकी जगह पर आपको जो संख्याएं दी जाएंगी तो बताया जाएगा कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। यहाँ पे आपको संकेत के रूप में बताया गया कि वास्तविक संख्या ए जीरो ए वन ए टू ए एन, जहाँ ए एन इन नॉन स्क्वायर टू जीरो तथा एन एक ऋणात्मक पूर्णांक है, एन एक ऋणात्मक पूर्णांक है तथा चर यक्स में एक बहुपद। यह हो गई आपकी बहुपद की छोटी सी परिभाषा। आप अपनी किताब को खोल करके परिभाषा के बारे में और जानना है तो निश्चित रूप से पकड़ लीजिएगा, लेकिन जो मेन परिभाषा है आपको बता दें। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ तो अपने जिस भी तरह से आप हमको मैसेज दे सकते हैं, फिर अगले टर्म पे आपको अच्छे ढंग से और बता दिया जाएगा। अगर समझ में आ जाता है तो बहुपद की परिभाषा, यह परिभाषा आपको कक्षाओं में पढ़े नहीं है, यह एकदम नई चीज आपके लिए है, इसलिए आपको व्यवस्थित फलन बता देते हैं कैसे पढ़ेंगे। फलन को किसे कहेंगे? Px is equal to a zero plus a one x plus a two x square plus plus a n x to the power n। यह पढ़ने का ढंग होता है, जहां a zero a one a two a n वास्तविक संख्याएं हैं, a n is not equal to zero तथा a n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, x चार यक्ष में एक बहुपद का। यह आपकी परिभाषा, ठीक। अब कुछ एग्जांपल समझ लीजिए कैसे आप लिखेंगे बहुपद को। तो आप एग्जांपल देखिए कैसे लिखा गया। फर्स्ट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, पूर्णांकों का बहुपद है, इसे कौन सा बहुपद कहेंगे? पूर्णांकों का बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल है वन अपॉन टू एक्स टू दी पावर थ्री माइनस फाइव एक्स प्लस टू टू पावर थ्री। यह बहुपद कौन सा बहुपद कहलाता है? परिमेय संख्याओं पर आधारित बहुपद। तीसरा है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस थ्री, वास्तविक संख्या। तो आज इस टर्म पे आपको केवल बहुपद के बारे में बताया गया, धीरे धीरे आप चैप्टर के बारे में जाएंगे, फिर चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा बहुपद, अभी आपको संख्याएं बताना है, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन सम होता है, कौन विषम होता है, कौन पूर्ण संख्या होती है, कौन प्राकृतिक संख्या होती है, सब अगले टर्म पे आपको धीरे धीरे समझाया जाएगा। इसके बाद अब आपको सवाल